सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के फ्रेश एपिसोड में। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारे देश के राष्ट्रपति के साथ हमेशा इंडियन आर्म फोर्सेस का एक ऑफिसर रहता है, जिसे राष्ट्रपति के एट डे कैंप यानी कि एडीसी के तौर पर जाना जाता है। एडीसी यानी कि राष्ट्रपति के पर्सनल असिस्टेंट और पर्सनल सेक्रेटरी। और इसी तरह हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ भी उनके पर्सनल असिस्टेंट और बॉडीगार्ड के तौर पर एसपीजी यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के ऑफिसर रहते हैं। और आपने अगर कभी गौर किया होगा तो आपने पाया होगा कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ जो उनके सेक्रेटरी रहते हैं वो हमेशा एक ब्लैक कलर का ब्रीफकेस कैरी करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस ब्लैक ब्रीफकेस में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से इसे हमेशा कैरी करना पड़ता है? हालांकि इस ब्रीफकेस को लेकर कई रूमर्स हैं, जैसे कि कोई कहता है कि इस ब्रीफकेस में न्यूक्लियर बटन होता है तो कोई कहता है कि ये एक बैलिस्टिक शील्ड होती है। लेकिन इन दोनों बातों में से वाकई में सच क्या है, इसके बारे में हम आज के एपिसोड में आपको बताने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लियर बटन वाले रूमर की। तो हम आपको स्पष्ट कर दें कि इस ब्रीफकेस में न्यूक्लियर बटन या फिर न्यूक्लियर कोड जैसा कोई भी चीज नहीं होती है, क्योंकि हमारे देश में न्यूक्लियर वेपन्स को लॉन्च करने की जिम्मेदारी न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी की है, जो कि CCS यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी द्वारा कंट्रोल की जाती है। और इस CCS में केवल भारत के प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय आते हैं, और इन सब की सहमति के साथ ही किसी न्यूक्लियर स्ट्राइक पर फैसला लिया जाता है। तो फिर आखिर इस ब्रीफकेस में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से इसे हमेशा कैरी करना पड़ता है? तो हम आपको बता दें कि ये एक तरह की पोर्टेबल बुलेट प्रूफ शील्ड होती है, जो कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जैसे VVIPs को एक इमीडिएट और टेम्परेरी प्रोटेक्शन प्रदान करती है। और इस शील्ड को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है जिसकी वजह से ये VVIPs को NIG लेवल 3 की एक बैलिस्टिक सुरक्षा देती है। और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आखिर कैसे ये ब्रीफकेस एक बुलेट प्रूफ शील्ड में कन्वर्ट हो जाता है। और इन सबके अलावा ब्रीफकेस का इस्तेमाल ऑफिशियल स्टैम्प, स्टैम्प पेपर्स और भी कई ऐसे ही जरूरी डॉक्यूमेंट्स को कैरी करने के लिए भी किया जाता है। तो ये थी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पर्सनल असिस्टेंट्स और बॉडीगार्ड्स द्वारा कैरी किए जाने वाले ब्लैक ब्रीफकेस की असल सच्चाई। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशंस हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।